नमस्कार मेरे यूट्यूब परिवार, आज हम बनाएंगे सहजन के पत्तों से बहुत ही हेल्दी और टेस्टी इवनिंग का नाश्ता। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक फ्राई पैन लेंगे और लो फ्लेम पर फ्राई पैन को रखेंगे और उसमें एक चम्मच घी डालेंगे और थोड़ा सा तिल और मंगरेल डालेंगे टेस्ट के लिए और चिली फ्लेक्स थोड़ा सा और हरी मिर्च, एक हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल देंगे और 1 मिनट के लिए अच्छी से भून लेंगे इस तरह से। और भूनते हुए हम इसमें ऐड करेंगे 2 कच्चे आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया छील के और पानी में धो लिया अच्छी तरह से, उसका सारा स्टार्च निकाल कर पानी निचोड़ कर इस तरह से डाल देंगे फ्राई पैन में। और इसी के साथ हमने सहजन के पत्तों को धो के अच्छी तरह से उसको बारीक कट करके वो भी डाल देंगे इसमें। ये बहुत ही हेल्दी होता है दोस्तों, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनेगा। और इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि जब भी आप सहजन का पत्ता लें तो एकदम नया वाला लें, बिल्कुल डार्क ग्रीन वाला नहीं लें क्योंकि वो थोड़ा सा कड़वा लगेगा टेस्ट में। तो इसलिए जो नया पत्ता है आप उसी को यूज़ करें। तो इस तरह से आप मिला देंगे अच्छे से और जब ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, आपस में मिल जाए अच्छे तरह से, अब इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर। अब अच्छे से मिला देंगे और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप पानी। टोटल हमें 2 कप पानी ऐड करना है दोस्तों। 1 कप पानी मिला देंगे और अच्छे से मिला देंगे और इसमें इसके बाद ऐड करेंगे हम सूजी। यहाँ पे 1 कप सूजी लिया है दोस्तों मैंने, आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, बारीक वाला या मोटा वाला, दोनों ही तरह की सूजी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनेगा दोस्तों। अब अच्छे से मिला देंगे और इसी तरह से लो फ्लेम पे हमें दोस्तों इसको पकाना है। धीरे धीरे पकेगा तो अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। और इसके बाद अब इसमें 1 कप और पानी हम ऐड करेंगे। 1 कप सूजी के लिए 2 कप पानी ऐड करना है दोस्तों, तो 1 कप पानी और ऐड कर दिया और अच्छे से अब इसको 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। और आप देख सकते हैं कितना थिक हो गया है। इसी तरह से ये इसको मिलाते रहेंगे और अब गैस ऑफ कर देंगे। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है दोस्तों, अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो अब एक प्लेट में हमने थोड़ी सी घी लगाई है ताकि चिपके ना, अब प्लेट में निकाल कर रख देंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए और फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और आप भी बनाना ये इवनिंग का नाश्ता, बहुत ही टेस्टी होता है, बच्चों के लिए खासकर बहुत ही बढ़िया और हेल्दी नाश्ता है दोस्तों। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए और आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना दोस्तों, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आए और आप लोग वीडियो देख सकें। तो देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हाथों से अच्छी तरह से मिला देंगे ताकि सूजी और सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए और उसके बाद हम छोटी छोटी बॉल बनाएंगे इस तरह से और इस तरह से हाथों से चपटा कर देंगे। देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। और ये बिल्कुल अब रेडी हो चुका है। अब फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल है और उसमें तिल डालेंगे वाइट वाला और उसमें सेक लेंगे इस तरह से डालकर सारी टिक्की को, इस तरह से सारी टिक्की को हम फ्राई पैन में डाल देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे अच्छी तरह से ताकि और भी अच्छा टेस्टी बन जाए। बच्चों को इस तरह से बना के देंगे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लगेगा और बच्चे खुश होकर खाएंगे। अब टिक्की को उलट पलट करके सेक लेंगे दोस्तों और आप जब भी बनाएं, आपके पास अगर ड्रम स्टिक या इसके पत्ते नहीं हैं तो आप यहाँ पे पालक का भी यूज़ कर सकते हैं और पालक ना हो तो आप दाल का भी इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेगा दोस्तों, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और बहुत ही हेल्दी नाश्ता होता है, चाहे इवनिंग में बनाइए चाहे आप मॉर्निंग में बनाएं बच्चों के लिए, बच्चों को लंच में भी आप ये बनाकर दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया नाश्ता है और बहुत ही हेल्दी है। और दोस्तों तो अब देख सकते हैं हमारा टिक्की एकदम रेडी हो चुका है, अब इसे बाहर निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। आप इसे चाय के साथ, लाल चटनी, हरी चटनी किसी के साथ भी अच्छे से खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो दोस्तों इंजॉय कीजिए ये हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक आप हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए और खुश रहिए।